श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। हर गली हर घर में उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सादरा जिले के झील चौक पर आसियाना परिवार की ओर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी झील चौक को भगवान श्री राम के झंडे और भगवा गुब्बारों से बड़े ही सुंदरता से सजाया हुआ है। इस मौके पर भाजपा सादरा जिला उपाध्यक्ष विजय शर्मा और अरुण कुमार महाजन के साथ सभी लोगों ने भगवान श्री राम को पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर आए सभी मुख्य अतिथियों का भगवान श्री राम का पटका पहनाकर स्वागत भी किया गया। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद विजय शर्मा व अरुण कुमार महाजन ने सभी लोगों पर पुष्प की वर्षा कर इस खुशी को और दोगुना कर दिया। इस अवसर पर सादरा जिला उपाध्यक्ष विजय शर्मा, अरुण कुमार महाजन, मैनेजर हंसराज स्कूल, निगम पार्षद प्रिया कंबोज, संदीप कपूर, एएस राठौर, दीपक, संजीव हांडा, मदन पाल श्रीचा, जीएस ग्रोवर, सुनील कुमार जैन, गोल्डी, देविंदर शर्मा, पुष्कर शर्मा, प्रदीप जैन, राजेंद्र गर्ग ने अपना भरपूर सहयोग देकर कार्यक्रम को और भव्य बनाया। देखें तेज निगाहें से प्रिंस सोलंकी की एक खास रिपोर्ट। 500 साल बाद भगवान राम अपने घर लौट रहे हैं, इसके बड़े इससे खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। तो यह संभव हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से। कब से हम इंतजार कर रहे थे कि यह दिन आए और हमें ऐसे ही खुशियां मनाएं जैसे आज मनाई जा रही है। जगह जगह भंडारे किए जा रहे हैं, जगह जगह भगवान राम की मंदिर की शोभा यात्रा की जा रही है, जगह जगह लाइव प्रसारण किया जा रहा है। हम सब ये दुआ करते हैं जिस प्रकार मोदी जी ने हमारे सबके लिए ये किया है, आने वाली तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं और ज्यादा से ज्यादा अब की बार 400 पार करके दिखाएं। जो मोदी जी का वादा है, मोदी जी ने हमारा वादा पूरा किया है, हम मोदी जी का वादे को पूरा करके दिखाएं। राम मंदिर के ऊपर आज हेलीकॉप्टर से जो पुष्प वर्षा की गई है, वो योगी जी और मोदी जी, ये जोड़ी जो है राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, राम हनुमान की जोड़ी है, इसलिए बहुत खुशी की बात है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मोदी जी को और योगी जी को लंबी आयु दे। आज लगभग 500 वर्ष के बाद जो है हमारा अपना सपना जो है वो पूरा हो रहा है। ये इसका श्रेय जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। इन्होंने लंबे संघर्ष के बाद जो है हमारे सपने को साकार किया है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका हमेशा हमारे ऊपर जो है प्रभु कृपा बनी रहे। जिस तरह उन्होंने देश की प्रगति और उन्नति के लिए कार्य किया है, आगे भी जो है अगले 5 साल के लिए हम जनता से अपील करेंगे कि उनको दोबारा चुने और ताकि उनका सानिध्य हमारे ऊपर जो है बरकरार रहे। आज 12:38 पर जो है अयोध्या में रामलला जो है अपने उसमें बाल रूप में जो है विराजमान हुए हैं और पूरा देश जो है इस समय राम के उसमें जो है रूप में सजा हुआ है। हमारे हर कण में, हर हमारे मन में, हमारी हर सांस में जो है राम है, राम है, राम है। मैंने आज सवेरे देखा टीवी में कि 9 देशों के 51 प्रतिनिधि जो है वो भी इसमें सम्मिलित होने के लिए है। मोदी जी की जो सोच है उसमें उन्होंने हर वर्ग को सम्मिलित किया है, चाहे वो विदेश में हो, हर जाति का हो, हर धर्म का हो, उन्होंने सभी को न्योता दिया है। लगभग 8,000 जो है व्यक्ति वहां पर न्योते में थे। इसके बाद जो है कल से आम पब्लिक के लिए 2-4 दिनों के बाद जो है वो दर्शन खुल जाएंगे और आने वाले दिनों में जब भी मौका मिलेगा हम जो अयोध्या जाकर जो है भव्य मंदिर का जो है दर्शन अवश्य। आज 500 वर्ष का जो इंतजार था भारतीय इतिहास में, आज वो संपूर्ण हुआ। रामलला अपने घर विराजमान हुए और यहाँ झील पर हमने हमारे जिले के उपाध्यक्ष विजय शर्मा जी, इनके सानिध्य में यहाँ पर हमने ये बड़ी स्क्रीन लगाई, यहाँ पर ये भव्य आयोजन किया और यहाँ पर हमने भंडारे का भी आयोजन किया। आप ये देखिए कि पब्लिक सुबह से लगातार यहाँ पर आ रही है और जा रही है, लेकिन भीड़ अभी भी कम नहीं हुई है। सुबह से हम यहाँ आशियाना परिवार की तरफ से हमारे जिले के उपाध्यक्ष विजय शर्मा जी, इनके सानिध्य में हमने ये सारा प्रोग्राम किया है।
और मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए उनका घर किसी भी माध्यम से बनवा के उनको दिया, उसी तरह भगवान श्री राम भी अगले 5 वर्षों के लिए मोदी जी को, उसके बाद आगे कई वर्षों के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी हम इस सत्ता में देखना चाहते हैं। आज इस मौके पर मैं सिर्फ 2 शब्दों में अपनी बात ये रखना चाहता हूँ कि एक नए भारत का शिल्पकार आया है भारत में नरेंद्र दास मोदी के रूप में, जिसने हिंदुओं की 500 वर्ष की तपस्या को आज पूरा करके और पूरे भारतवर्ष को एक ऐसा तोहफा दिया है कि पूरा भारत इस समय गदगद है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हिंदुओं का एक सपना था, ये सपना आज पूरा हो रहा है और इसका नायक और इसका सारा श्रेय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को दें और उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हों।